जय, क्या हुआ? ठंड लग रही है? मैं एसी बंद कर दूं? मैं ठंड से नहीं कांप रहा हूँ, मैं डर से कांप रहा हूँ। वो अप्पू मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आ रहा है। अप्पू, ये तो वही है ना जिसने पिछले संडे तेरी पिटाई की थी? हाँ, पिछले संडे और उसके भी पिछले संडे। मेरा बेचारा भाई हर संडे पिट कर आता है, तू जाकर उसके मम्मी पापा को कंप्लेन क्यों नहीं करता? वो ही तो करने गया था, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। तू डरपोक यहाँ पर आकर चुप गया? जा, जाकर उसका सामना कर, गो। सामना करूँ? कैसे करूँ? वो मुझसे बहुत बड़ा है, ऐसे भी और ऐसे भी। अब आप भी कुछ कर सकती हो दीदी। मैं? वो कैसे? जादू से। आप उसे ना जादू से चूहा बना दो, फिर मैं उसकी पूंछ पकड़कर सारे ग्राउंड में घुमाऊंगा, फिर सबको मालूम पड़ जाएगा कि मैं यानी जिया मुर्दा का भाई क्या चीज है। प्लीज बोलिए ना, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग। चुप, जादू से किसी को चूहा बनाना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी अगर मैंने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा ना कि मैं परी हूँ। मैं जादू से तेरी हेल्प नहीं कर सकती, और वैसे भी जय, तुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। अप्पू बात बात पर मेरे कॉलर पकड़ लेते हैं और मुझे हवा में उठा देते हैं, और मेरे पैर हवा में लटके रहते हैं। अब मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ा रह सकता हूँ? दीदी वो बहुत बड़ा है। तो ठीक है, फिर जब तू बड़ा हो जाएगा तब तू उसे बदला ले ले। तब तक मैं यानी जिया मुर्दा का भाई सबसे डर डर के जीऊंगा। दीदी प्लीज। नो दीदी प्लीज। नो दीदी, आप अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अब अप्पू मेरा मुंह तोड़ डालेगा। I'll never talk to you. सॉरी जय, प्लीज प्लीज। अच्छा देखो, मैं जादू से थोड़ी देर के लिए तुम्हें बड़ा बना दूंगी, लेकिन देखो जय, तुम अप्पू को सबक सिखा करना, सीधा मेरे पास आना, ताकि मैं फिर से तुम्हें इस साइज का बना सकूं। हाँ, मैं हर संडे अप्पू को सबक सिखा कर आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है? क्या? सॉरी दीदी, अब मुझे बड़ा बना दो ना प्लीज। चला बैठ यहाँ पर। श्रृंग भ्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, ए जादू हाइट पड़ा, अप्पू से भी कर दे पड़ा। अगर मेरा के सामने जादू करो तो जादू का इफेक्ट रिवर्स होता है। लगता है एक बार फिर से मेरा जादू उल्टा पड़ गया। अब हम क्या करें? रुक रुक, मैं कुछ करती हूँ। अब तो मेरा जादू भी नहीं चलेगा, अब हम क्या करें जय? मुझे नहीं पता, कोई तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नानी दीदी, उठ रहे क्या? नहीं तो मम्मी पापा तो आराम से बैठे हैं। तो फिर हमें धरती क्यों कांप रही है? नानी नानी नानी। सूरज, ये जय पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। सुबह उसका फ्रेंड अप्पू आया था, उसे खींच खींच कर अपने साथ ले गया। बेचारा अप्पू हर संडे आता है और जय को जबरदस्ती अपने साथ खिलाता है। मार खिलाता मार। चाहे अभी नहीं खिलेगा तो क्या बड़ा होकर खिलेगा? बड़ा क्या नानी, मैं तो जितना था उससे भी छोटा हो गया। अरे मैं जिया को उठा के लाती हूँ। अरे नहीं 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 राधा, लगता है नानी ने हमें देख लिया। आज संडे है, बच्ची को सोने दो ना। ठीक है मामा, जैसे आप कहते हैं। नानी नानी, मेरी मामा। दिन में मच्छर काट रहे भाई? मुझे तो नहीं काटते। जय, मैं बहुत थक गई हूँ। कोई हमारी आवाज सुनता ही नहीं। चल थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं। हाँ जी है दीदी, मैं भी बहुत थक गया हूँ। राधा, पिछले संडे हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया था ना? उसके बाद मच्छर ने तुम्हें काटा है? मतलब आजकल के मच्छर समझदार हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्हें पता चल गया कि किसे काटना चाहिए और किसे नहीं। पेस्ट कंट्रोल तो हमने घर में करवाया, लेकिन पेस्ट अच्छी तरह कंट्रोल में नहीं आए, खास तौर से बड़े वाले। वो वाली दवाई तो मारनी ही पड़ेगी। कौन सी वाली? वो एक स्ट्रॉबेरी कलर की दवा हमें पेस्ट कंट्रोल वाले देकर गए थे, अब मैंने यही रखी थी कहीं। पी तो नहीं लिया? सूरज, मैं तो मजाक कर रही थी।
मैं भी मजाक कर रहा था। अरे अरे राधा, मेरा जूस। अरे ये नानी कहाँ चली गई? चल चल। ये चावल कहाँ रखे हैं? और किशमिश भी दिखाई नहीं दे रही। जय वो देख, मम्मी वहां पर बैठकर कुछ ढूंढ रही हैं। जल्दी से उनके सामने चिल्लाकर हाथी लाते हैं, शायद हमें देख ले। मामा मामा मामा, कौन आ गया? अब फिर से चलना पड़ेगा 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर कहाँ? वापस हॉल में। लेकिन मीता, आज तो संडे है, आज पार्लर में तुम लोग क्यों मिल रहे हो? नानी जिया ने आपको बताया नहीं, आज ना हम सब लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। पहले हम पार्लर में मिलेंगे और फिर वहाँ से फिल्म देखने जाएंगे। नानी 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 नानी, दीदी वो देखो बस, चलो अंदर चलते। नहीं नहीं जय, बदमाशी मत कर। नानी जिया दीदी प्लीज, मैं कभी कोर्स के अंदर नहीं गया, प्लीज मुझे जाने दो, बहुत मजा आएगा। अरे नीता जी अपने कमरे में नहीं है। आंटी मैं भी वो पार्लर चली गई होगी। हाँ लेकिन इससे पहले तो हमें बताए बगैर कभी नहीं गई जी। नानी एक्चुअली इस फिल्म का नाम है किसी से ना कहना, बिना बताए चली गई हो। एनीवेज आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे फोन करवा दूंगी। पक्का पक्का। ओके बाय। हाय बाय आंटी। वाओ दीदी मजा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे प्लेन में बैठे हैं। अब ये नीता हमें पार्लर ले जाएगी, पता नहीं वहाँ क्या होगा। गॉड प्लीज सेव अस। चक्कर आ गया। पता नहीं नीता दीदी बैग घुमा घुमा के क्यों चलती है। राजा तुम्हें पता है आज मैं फिल्म नहीं देखूंगी। अच्छा वेरी गुड, आई मीन नो प्रॉब्लम, मैं ध्रुव और जिया के साथ चले जाऊंगा फिल्म देखने। नहीं नहीं मैं फिल्म देखने जरूर आऊंगी। मीता तुम कैसी बातें करती हो, अभी तो कह रही थी नहीं आऊंगी, अभी आऊंगी। अरे मेरा मतलब है मैं फिल्म तो देखने जरूर आऊंगी, पर 3 घंटा मैं बस तुम्हें ही देखती रहूंगी। राजा राजा भैया, राजा राजा भैया, राजा भैया, नीता देखो तुम्हें मुझे देखने आता, देखो बट डोंट टच। क्या हो जाता है राजा को कभी कभी, सुनो ना मेरी बात। अरे ओह माय गॉड मैम आ रही है, चल चल छुपते। वाओ मैम आज तो तुम बहुत हॉट लग रही हो, ध्रुव तो तुम्हें देख के रॉक एंड रोल हो जाएगा। वैसे पैम आज तो ध्रुव मुझे देखकर भी हैरान रह जाएगा। अरे जय कहाँ गया? जय जय वहां मत जाओ, सुनो कम बैक हियर। दीदी डोंट वरी मैं राउंड मार के आता हूँ। हाय ध्रुव। ओह नो जय, क्या हुआ जय? वो दीदी पफ में से पाउडर उड़ के मेरे नाक में चले गया। पैम तुम आज यहाँ कैसे? बस ऐसे ही। ध्रुव तुम ये मेरे लिए लाए हो? हाउ स्वीट। नहीं ये मैं तुम्हारे लिए नहीं जिया के लिए लाया हूँ। ध्रुव ये सब चॉकलेट्स तुम मेरे लिए लाए हो? थैंक यू ध्रुव, थैंक यू। तुम्हें कहीं जिया की आवाज़ तो नहीं सुनाई दी? What? सामने मैं बैठी और ख्याल तुम्हें जिया का आ रहा है? Disgusting. What did she expect? Anyway, जिया अभी तक क्यों नहीं आई है? कहीं वो घर पे सो तो नहीं रही होगी? उसके घर जाके चेक करता हूँ। Wow, ध्रुव, हम घर जा रहे हैं। Thank God, अब नानी मुझे बड़ा कर देंगी। Yay! ध्रुव,
कुछ बात समझ में नहीं आई। एक तरफ सूरज अप्पू के घर गया है जय का पता करने, यहाँ जिया गायब है, नानी और गीता ये कहकर गई कि तुम मिलने वाले हो। नानी, नानी, नानी मैं यहाँ जाने के बाद आया। मजा आ गया, ऐसे लग रहा था जैसे प्लेन में बैठा हो। बाय पैम दीदी। शादी आ तो तू ना हलवा पूरी पका के खाना। दीदी आप यहाँ? जय ये सब छोड़, जल्दी से चल वहाँ। कहाँ? अरे उस म्यूजिक सिस्टम के पास, चल चल। लेकिन दीदी हम इतनी ऊंचाई पे जाके करेंगे क्या? जय हम जाकर उस माइक में चिल्लाएंगे तो शांति आंटी हमारी आवाज सुनकर नानी को बुला लेंगी। किंतु शांति आंटी को पता चल जाएगा कि आप परी हो और हमेशा उल्टा जादू करती हो। हाँ जय बात की बात में सोचेंगे, अभी चल यहाँ से। जा जय जल्दी से वो बटन ऑन कर जा। हो गया। अब माइक पे बोलते हैं। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो जय सॉरी दीदी। बजाओ बजाओ हेल्प हेल्प। कौन है? कौन? कौन है? ये आवाज कस कर रही है? हमारे मुंह से। तुम्हारा मुंह कहाँ है? कहाँ तुम लोग? हम यहाँ हैं यहाँ। शांति आंटी आदत से मजबूर है ना, ऐसी सिचुएशन में भी मांगना नहीं भूलेंगी। देख अब अगर नानी आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आई तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? पहले नीचे उतरते चल। ठीक जैन मैं इस कंटेनर में बैठी हूँ, तो मुझे पुश करना, मैं नानी के पास पहुंच जाऊंगी। ओके दीदी। ऑल द बेस्ट दीदी, हैव अ हैप्पी जर्नी और बड़ी होके मुझे भूल मत जाना, ठीक है? 1 2 3 आपको ना शीशे में देखा होगा। और नानी मैंने भूत को देखा नहीं है, सुना है। आप मेरे साथ चल के ना मेरे घर से भूत भगाओ वरना मैं नानी मैं यहाँ हूँ। तेरी हाइट तो कम कैसे हो गई? और मेरी हाइट तो अच्छी खासी है नानी, वो बैठी हुई ना इसलिए आपको छोटी लग रही है। तो बैठ चुकी है, जाना अपने घर। मैं आती हूँ तेरे पीछे तुझे। हाँ ठीक। शांति रुक रुक ऊपर देख। क्यों? वो मैं भूतों के सामने जाने की स्टाइल बता रही हूँ तुम्हें। इस स्टाइल से जाओगी ना तो भूत तुझे डराएंगे नहीं। ऊपर देख ऊपर देख। राइट पैर राइट की तरफ किसका? और लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। अब इसी तरह खिसकते हुए घर चली जा। अच्छा की बच्ची ये तूने क्या किया? हाँ क्यों जिया फिर गड़बड़ कर दी ना जादू में? हाँ नानी मैं ठीक कर देती हूँ। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग सुन जादू इसकी हाइट बढ़ा जल्दी से इसे बना दे बड़ा। थैंक गॉड नानी यहाँ पर कोई मिरर नहीं है, नहीं तो आपका जादू भी गलत पड़ जाता है। क्या मतलब? मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी चलिए जय को वापस लाना है शांति आंटी के घर। चलो 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 चलो। अबू जी देखो बोलो मुझे डराना मत, मैं वैसे ही चल कर आ रही हूँ जैसा मुझे नानी ने सिखाया था। देख लो शांति हटो हटो हमें जय को ढूंढना है। हटो नानी दीदी मैं यहाँ हूँ शक्कर के पैकेट में। मुझे पता बिल्ली आ रही है चली गई तभी।
सारी चीजों में क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने आपको यहाँ भूत ढूंढने के लिए बुलाया ना, तो भूत को ढूंढो। जय को क्यों ढूंढ रहे हो? वो जो भूत है ना, उसने हमारे जय को इतना सा बना दिया है, अब अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो तुझे भी इतना सा बना देगा। वो मुझे इतना सा क्यों बना देगा? मैंने क्या किया है? क्या किया है? दिन में 10 बार हमारे घर चले आती हूँ चीजें मांगने के लिए, उसे गुस्सा आया तभी तो यहाँ आया वो। इनको वापस करके आते हूँ। जी मैं आईना जिंदगी में इनसे कोई सामान नहीं मांगूंगी। वापस करके आती हूँ। अरे नानी। हाँ। अच्छा वो शांति आंटी चली गई। यस। अब हमें जय को ढूंढने की जरूरत नहीं, हम उसे जादू से बड़ा कर सकते हैं। श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, इस घर में जय जहाँ भी हो पहले जैसा बड़ा बन जाए वो। जिया इसका मतलब है जय इस घर में तो नहीं है। नानी नानी कहीं वो मेरे पीछे पीछे हमारे घर तो नहीं आ गया? चल चल देखते हैं चल। देख रहा था वो, मैं सब कुछ ले आई हूँ जो आज तक मैं तुमसे मांग कर ले गई ना। देख आज से मैं तुमको कुछ नहीं मांगूंगी। अरे मैं तो क्या, मेरे साथ मुझे तुमसे कुछ नहीं मांगेंगी। देख अभी पता चल जाता है, श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, इस घर में जय जहाँ भी हो पहले जितना बड़ा बन जाए वो।